देवास के टोक खुर्द में 114 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जोड़ों और परिजनों में नाराजगी भी देखने को मिली, क्योंकि उन्हें आचार संहिता के चलते मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि स्थानीय समिति ने अपने स्तर पर जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके कारण सरकारी कार्यक्रमों को निरस्त करना पड़ रहा है। इसी तरह देवास के टोक खुर्द में भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत होने वाला सामूहिक विवाह कैंसिल करना पड़ा। हालांकि आयोजक संत शिरोमणि भीकरीदास उत्थान समिति ने ग्राम रणायर कला में अपने प्रयासों से पंजीयन कराने वाले 114 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान से सम्पन्न कराया गया। सरकार ने हमें टाइम पे धोखा दिया और 12 घंटे पहले जी कार्यक्रम निरस्त की सूचना दी जी। हम समिति के सभी लोगों ने मिलकर जी ये निर्णय किया कि विवाह संपन्न कराएंगे जी, और पूरी ताकत से हम लग गए जी। पूरी रिस्क हमारी समिति ने ली और विवाह संपन्न करवाए जी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद देने के साथ ही सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। हम दलित वर्ग के लोगों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि 115 जोड़ों का विवाह भिखारी दास जी महाराज के श्री चरणों में आयोजित किया गया। ये जो वर्तमान शासन है ये कभी दलितों और आदिवासियों की रक्षा नहीं की। ये हमारे इस कार्यक्रम के कार्ड बहुत पहले छप गए थे, कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है और आचार संहिता में ये नियम है कि जिस कार्य की पहले घोषणा हो गई हो उस कार्य को रोका नहीं जा सकता। और आज एक कन्यादान सबसे बड़ा जीवन का जो दान होता है, कन्या का दान होता है, पवित्र कार्य में भाजपा की सरकार रोक लगाई जाना ये निश्चित रूप से दलित अन्याय मानता हूँ। ये विवाह तो होकर रहेगा क्योंकि हम मुहूर्त टाल नहीं सकते। जो भी असुविधा हो रही है मैं अपने वर्ग के लोगों को क्षमा मांगता हूँ कि शासन जैसे लोग होता है जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को मिटाना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं, पर हम इस वर्ग के लोग संघर्षशील लोग हैं। दलित वर्ग के हम अपने बाहुबल से कठिन काम करने की सक्षमता रखते और ये विवाह बहुत आनंद से क्षेत्रीय विधायक होने के नाते शुभ आशीर्वाद भी देना चाहेंगे। आशीर्वाद मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज जिन हमारे परिवार के बच्चों का विवाह है इनका जीवन सफलमय हो, मंगलमय हो, भगवान इनकी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दें, इनकी झोली में ना समाए, इनके रास्ते में कहीं कोई कांटा आए तो हम सब भाई बहन मिलके अपनी पलकों से उन कांटों को उठा लें और उनका जीवन सफल हो। वहीं अब सीएम कन्यादान योजना के लाभ नहीं मिलने को लेकर गेंद सरकार के पाले में है कि ऐसे हितग्राहियों को कैसे लाभ दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, टोंक खुर्द।